कि हमने फला को पैसा दिया कि मुँह से छुड़छुड़ी पटाखा छोड़ रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है सब बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं ना जो मेहनत करके बीपीएससी क्वालिफाई किया। और यह पूछें कि आपको पैसा लगा है, कोई पैरवी आपका किया है, 1,25,000 नियुक्ति 4.5-5 महीने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़, मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा चरम पर है, क्योंकि शिक्षा भर्ती जो परीक्षा हुई थी उसमें गड़बड़ी का आरोप लगातार जो अभ्यर्थी है वो लगा रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, ऊपर से जो कट ऑफ मार्क है वो जारी नहीं किया गया। तो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं आयोग पर कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है। ऐसे में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सीधा सीधा कह दिया है कि जो भी आरोप लगा रहे हैं वो अगर कोई प्रमाण दे दे तो फिर आगे की बात की जाएगी। उन्होंने सीधा सीधा का कहना है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी की तरफ से भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं गड़बड़ी के, तो ऐसे में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का सीधा सीधा कहना है कि प्रमाण अगर है तो प्रमाण जारी करें। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, एक बार आप भी सुनिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि सफलतम अभ्यर्थी से जाकर के बात करें और यह पूछें कि आपको पैसा लगा है, कोई पैरवी आपका किया है, 1,25,000 नियुक्ति 4.5-5 महीने में बिहार लोक सेवा आयोग ने करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। देश में अब तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। एनटीपीसी का एग्जाम कब हुआ है, अभी तक ज्वाइनिंग करवाए ही लोग जो रेलवे में, और 3.5 लाख पद अभी भी खाली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम विपक्षी दलों से जो लोग आरोप लगा रहे हैं एक प्रमाण दें और वो सोशल मीडिया में डालें, बात करके रोल नंबर सहित, नाम सहित, पिताजी का नाम सहित एक प्रमाण देंगे ना कि हमने फला को पैसा दिया कि मुँह से छुड़छुड़ी पटाखा छोड़ रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है सब बोल रहे हैं, अपमान कर रहे हैं उन विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं ना जो मेहनत करके बीपीएससी क्वालिफाई किया, नहीं पच रहा है। लेकिन जीतनराम मांझी तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से लालू यादव लैंड फॉर जॉब दिए उसी तरह से नीतीश कुमार, अरे मैं तो उनके क्षेत्र में चुनौती दे रहा हूँ, जहाँ से वो माननीय विधायक है वो अभी सूची जारी कर देंगे हम कि जहाँ उनके क्षेत्र के जो लोग हैं जो क्वालिफाई किया है, जाइएगा उसके घर वापर पूछेगा, ये सब बात जो बोलते हैं ना जाके पूछेगा, जाके पूछिए जा करके कि तुम्हारे बेटा को नौकरी मिला है, पैसा दिए थे, किसको दिए थे, ये सब केवल राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन आप लोग सीट वैकेंट रखने के लिए एक कैंडिडेट को दो दो जो रिजल्ट दिए। अरे भाई, जब वो एक कैटेगरी के अंदर में परीक्षा देगा अलग अलग क्लास का, तो उसमें तो होता ही है भाई। अब कोई आदमी है जो जो यूपीएससी में एग्जाम देगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी उसका हो जाएगा और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में लेक्चररशिप में भी हो जाएगा, तो जाएगा कि नहीं। अब नियोजित शिक्षक को नहीं अधिकार है आवेदन देने का, अरे आवेदन दिया, वो क्वालिफाई किया। तो सुना आपने, उनका सीधा सीधा कहना है कि भाई जो भी आरोप लगा रहे हैं वो प्रमाण के साथ बात करें, बिना प्रमाण के बात ना करें। उनका कहना है कि जरा पूछा जाए कि किसी से पैसा लिया गया है, कोई पैरवी की गई है, इस तरह का अगर आरोप लगाया जा रहा है तो प्रमाण दिखाएं और उसके बाद आगे बात करें। तो लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा भी चरम पर है और इसको लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। आप देखते रहिए द एसडी न्यूज़। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।